साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें। जैविक खेती व टिकाऊ खेती से संबंधित नई नई वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका बदलाव चैनल पर। यह कदम है टिकाऊ खेती की ओर। साथियों, लोग कहते हैं कि जैविक खेती करके उत्पाद बेचना बड़ा मुश्किल काम है, जैविक उत्पादों के उचित दाम नहीं मिलते हैं या उनकी मार्केटिंग में दिक्कत आती है। लेकिन भमौरी गांव के फौजी श्री सुनील कुमार राणा जी ने इसे मिथक कर दिया है और ये अग्निहोत्र के द्वारा जैविक खेती करके लगभग सभी फसलें उगाते हैं। अग्निहोत्र करने से इनकी फसल पर रोग व कीट नहीं लगते, जिससे लागत कम आती है और फार्म से ही उत्पादों को बेचते हैं। ये इंटरक्रॉपिंग करते हैं, मतलब गन्ने के साथ हल्दी, पपीता, नींबू, केला, धनिया, मेथी, पालक, मूली, शलजम आदि करके अच्छी आय कमाते हैं। साथियों, इन्होंने प्रोसेसिंग यूनिट भी अपने यहाँ लगाई हुई है, जिसमें इन्होंने कोलू दाल बनाने की चक्की और अभी आने वाले समय में कच्ची घानी भी लगाएंगे। तो ये स्वयं गुड़, शक्कर, खांड, राव आदि बनाते हैं। तो आइए जानते हैं इन्हीं से विस्तार से। सर नमस्कार। नमस्ते जी। सर, ऑडियंस को अपना परिचय दे दीजिए। मैं सुनील कुमार फौजी, गांव भमौरी, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश, और यहां पे मेरा अग्निहोत्र जैविक कृषि फार्म है। अग्निहोत्र जैविक कृषि फार्म जी। ये सब कब से कर रहे हैं आप? खेती तो हमारे पिताजी भी जैविक कृषि ही करते थे जी, लेकिन जो विधिवत रूप से हमने जैविक कृषि शुरू करी है वो 2017 से हमने शुरू किया। अच्छा। हाँ जी। तो ऐसा ये शुरू करने के पीछे कोई कारण है? देखो, मैंने जो है काफ़ी ऊंचे स्तर तक की पढ़ाई किया जी। जब उन पढ़ाई में हम ग्लोबल इश्यूज पर जाते हैं कि क्या खेती में, खेती से क्या दिक्कतें हैं, खेती में क्यों आमदनी नहीं है जी, और इस खेती विधि जो है वर्तमान में जो चल रही है उससे हमारे इन्वायरमेंट को क्या नुकसान हो रहे हैं, क्या फ़ायदे हो रहे हैं, कैसे पोल्यूशन बढ़ रहा है, कैसे वाटर शॉर्टेज की जो प्रॉब्लमें हमारे आ रही हैं जी, ग्लोबल वार्मिंग के सूझ हैं और अनेकों पक्षी पशुओं की प्रजातियां तक समाप्त हो रही हैं जी। तो जब मैं खेती में आया अपने आर्मी की सेवा के बाद में जी, तो मुझे लगा कि जो अभी वर्तमान खेती है जी, ये नुकसान की है जी, और जो हमने पढ़ाई किया है उनका सोल्यूशन है जी। तो हमने इन्हीं ग्लोबल वार्मिंग के इशूज पर, ग्लोबल पोल्यूशन के इशू पर, वाटर शॉर्टेज के इशू पर, विलुप्त होती प्रजातियों के इशू पर जो हमने सोचा और जो पढ़ा था, तो उसी को हमने एग्जीक्यूट करने की अपने जीवन में ठानी। आज की डेट में किसान जो है जैविक खेती करने से घबराता है जी, और आपने जो है पिछले 5-6 सालों से आप जैविक खेती कर रहे हैं जी, तो क्या आपको पहले वाली खेती से कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट हो रहा है? देखो, घबराने का जो विषय है वो ये है कि इसमें थोड़ा मेहनत शुरुआत में ज़्यादा पड़ती है जी, और उसकी आदत अभी तक है नहीं है, न किसान को है, न किसान को सपोर्ट देने वालों को। किसान है, किसान परावलंबी बन चुका है, स्वावलंबी नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही बात। और किसान जो है अभी जिस तरह का षड्यंत्र है, षड्यंत्र कहें या उस समय की जरूरत कहें, तो अब पराधीन है, बीज के लिए पराधीन है, पोषण के लिए पराधीन है, सुरक्षा के लिए पराधीन है, और ये पराधीन जो है मल्टीनेशनल कंपनियों के, एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री के डेवलप होने के, उसके ग्रोथ होने के कारण से है। मतलब किसान जो है मेहनत करना नहीं चाहता लेकिन बाजार से सामान खरीद लेगा, और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जैविक खेती या प्राकृतिक खेती का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि ऑन फार्म पे अपने ऑर्गेनिक इनपुट्स बनाएं और उन्हीं का फिर इस्तेमाल करें। और साथ में जो आप, मैं देख रहा हूँ कि आपने गन्ने के साथ बहुत सारी क्रॉप्स लगाई हुई हैं और उनकी प्रोसेसिंग कर रहे हैं, तो इस फार्म पे आप किस तरह का जो है मॉडल तैयार कर रहे हैं? मैं जो हूँ एक प्राकृतिक कृषि का, और वो भी मल्टी लेयर यानी कि बहुस्तरीय फसलें, जिसमें ऊपर पेड़ हों, उसके नीचे छोटे पौधे हों, उसके नीचे छोटे पौधे हों, और बीच में अलग तरह की और छोटी छोटी हमारी साग सब्जियां हों जी, उस तरह का मैं ये सोच रहा हूँ कि मल्टी लेयर बने और मल्टी क्रॉपिंग बने। जैसा कि आप इस फार्म को भी देख पा रहे होंगे, इसमें जो है कम से कम 30 तरह के पौधे हैं जो हमारे प्रकृति के संरक्षण के लिए, चिड़ियों के संरक्षण के लिए लगाए गए हैं, और साथ में वे हमारी धरती को खाद भी देंगे जी। और तीसरी तरह की तकरीबन छोटी फसलें हैं जिसका जो है हवा और धूप का सही कॉम्बिनेशन बैठाने के लिए किया गया है जी। मैं बिल्कुल आत्मनिर्भर हूँ, मुझे कुछ खरीदना नहीं है, और चाहे मेरा बिके या ना बिके, लेकिन मुझे खरीदना नहीं है, मैं इस आधार पर
काम कर रहा हूँ, जिससे कि एक किसान जो है आत्मनिर्भर बन सके, इस आधार पर काम कर रहा हूँ। अच्छा सर, एक्चुअली क्या होता है कि मार्केट की दिक्कत बहुत आती है जी, जब हम ऑर्गेनिक कर तो लेते हैं वो बिकता नहीं है। दूसरा, मैंने देखा है कि कुछ किसान यदि फेसबुक, व्हाट्सअप या सोशल मीडिया से जुड़ जाते हैं तो वो अपने प्रोड्यूस को बहुत हाई रेट के कीमत मांगते हैं जी। इसके पीछे आपका क्या, आप जो बहुत अच्छे से मार्केटिंग कर पा रहे हैं जी, आपने कौन से मॉडल को अपनाया हुआ है? हाँ देखो, जो मार्केट की इशूज हैं, मैं तो ये कहूँगा कि जैविक खेती में है ही नहीं। जो जैविक खेती के नाम पर कुछ ऐसी पद्धतियां अपनाए हुए हैं जो अभी आधी जैविक और आधी रासायनिक हैं, उनके लिए प्रॉब्लम है जी। अब आप, मैंने जैसे कि पहले भी कहा है जी, कि मेरे पास 30 फसलें हैं, 30 तरह के पौधे हैं, सब फल फ्रूट साग सब्जी सब अपने घर की है, तो मुझे मतलब कंप्लीट पैकेज आपके पास है? है जी। तो जब हम अपनी पूरी नीड्स पूरी कर ले रहे हैं, जरूरतें पूरी कर ले रहे हैं, तो हमें उस चीज की भी जरूरत नहीं है जी, कि हम बिक्री की कहाँ जरूरत है। हमारे जो अभी किसान हैं वो मध्यम हैं और बहुत लघु किसान जोत उनके पास हैं, उन्हें तो कोई समस्या ही नहीं होने वाली जैविक कृषि में। बस देखने का अंतर है कि आज किसान सब कुछ बेच रहा है और सब कुछ खरीद रहा है, एक फसल लगा लिए सब कुछ बेच दिया और पूरा खरीदा, समस्या सिर्फ यहाँ पे है। और जो जैविक कृषि को भी इसी पद्धति पर करना चाहेंगे कि सब कुछ बेचेंगे सब कुछ खरीदेंगे, उनके लिए मार्केट की परेशानी जिस तरह से अब रासायनिक खेती में, उसी तरह से जैविक खेती में होगी। एक्चुअली होता क्या है कि जब मार्केट में हम देखते हैं कि जो सामान है, जब हम मान लीजिए कोई भी चीज़ है, कोई भी सब्जी हम लेके जाते हैं जी, तो वो जो बिक रही है जिस रेट पे, हाँ, उससे कहीं ज़्यादा कम हमारी बिकती है। मान लीजिए मूली 10 रुपये किलो है, हाँ, और मंडी में जब आप लेके जाते हैं तो वो 1 या 2 रुपये किलो बिकती है, हाँ जी। आप इसको सहूलियत करने के लिए क्या कंज्यूमर को आप खेत से क्या रेट पे दे पाएंगे, मतलब जो कंज्यूमर आज खरीद रहा है उस रेट पे दे पाएंगे या फिर जो है एक्स्ट्रा रेट पे देंगे? नहीं नहीं, जैसा मुझे लगता है और मेरे अनुभव हैं अभी तक के पिछले 4 वर्षों के जी, अगर मेरे से कंज्यूमर उसी रेट पर खरीदे जिस रेट पर भी वर्तमान कृषि पद्धति से तैयार फसलें खरीद रहेगा, और वो मेरे खेत से ले ले या मेरी सुविधा के अनुसार ले ले, तो मुझे उसमें भी तमाम बेनिफिट्स हैं जी। उसमें मेरा मंडी का बचेगा, किराया बचेगा, बिल्कुल, और मुझे ये सुविधा रहेगी कि मैं अपने खेत में काम कर पाऊंगा। मैं समझता हूँ ये बाकी किसान जो है नहीं समझ पाते हैं इन चीज़ों को जी, और इसीलिए वो ज़्यादा दाम मांगते हैं। हाँ, अब आप, आपको पता है और भी सब सम्मानित किसान ये जानते हैं कि जो मेरे जैविक उत्पादों के और जो कि सर्वश्रेष्ठ हैं, मैं केवल भारत के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं पूरे वर्ल्ड के लिए कह रहा हूँ कि जिस तकनीक से, आध्यात्मिक तकनीक से यहाँ पर खेती हो रही है, यज तकनीक से यहाँ पर खेती हो रही है, मैं पूरे वर्ल्ड में दावे के साथ कह सकता हूँ कि इससे सर्वोत्तम उत्पाद सारी दुनिया में नहीं मिल सकते हैं। और भाव जो हैं इसके, सहयोग राशियां जो ली जा रही हैं, रेट की बात कहें तो ये अमूल्य हैं जी, बिल्कुल सही बात, लेकिन अगर सहयोग राशि की बात कहें तो मैं सिर्फ इसमें भी उतना ही ले रहा हूं, और वो इसलिए ले रहा हूं कि जिससे कि हमारे सम्मानित ग्राहक इन चीज़ों का लाभ उठा पाएँ और सम्मानित ग्राहक बढ़ें, जिससे कि उन सम्मानित किसानों को जो अभी कसमें कसमें हैं कि मैं करूं या ना करूं जैविक खेती, पुराने ढर्रे पे चलता रहूं या अपनी जो जीवन शैली है इसको जैविक बनाऊं, तो उनको काफ़ी लाभ होगा। उनको लाभ तभी होगा जब हमारे सम्मानित ग्राहक बढ़ेंगे, और मेरा जो आंदोलन है वो जहर मुक्त भारत अभियान का है, उसी के तहत मैं काम कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात। अच्छा सर, आपके पास मैं अगर यहाँ आसपास के या दिल्ली से लोग जुड़ना चाहें तो आप क्या क्या प्रोड्यूस अपनी खेत से जो है, जो अग्निहोत्र जैविक फार्म से आप ले रहे हैं जी, वो क्या क्या उपलब्ध करा पाएंगे? हाँ, अग्निहोत्र जैविक कृषि फार्म में 30 फसलें तो बड़ी हैं जो कमर्शियल हैं, और 30 फसलें जो है छोटी हैं जिनका केवल लोकल में ही इस्तेमाल होता है, और खेत पे से आकर के लोग सब उनका नाम बता दीजिए प्लीज लेके चले जाते हैं जी। हाँ, जो हमारी बड़ी फसलें हैं उसमें हमारा मेन गन्ना और गन्ने के उत्पाद हैं, जिसका हम गुड़, शक्कर, खांड, राब, सिरका, और गुड़ भी वैल्यू एडिशन करके चॉकलेट तक, टॉफी तक, बर्फी तक ये सब बना रहे हैं। सिरका कई वेराइटियों का, कई फ्लेवर में बना रहे हैं, तुलसी में, आंवले में, पुदीने के साथ में, और बाकी फिर जब सह फसलों के उत्पाद हमारे आते हैं उसमें हमारी उर्द है, दलहन का है, मिर्च हैं, छोटी छोटी फसलें हैं, हमारे पास 250 पौधे नींबू के हैं और आंवले के हैं कम से कम 50 पौधे जी। तो हम सब इनका अचार, मुरब्बा, मतलब फूड प्रोसेसिंग में भी जा रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग में जा रहे हैं, और हमने इस कार्य को जो है गति देने के लिए आज
16 दिसंबर को एक गन्ना क्रेशर का जी, जिसमें हमारा शुद्ध प्राकृतिक गुड़ ही, मतलब आपको बाहर बनवाने की जरूरत नहीं, आप स्वयं ही बनाएंगे। हाँ, मैं स्वयं बनाऊंगा और सिर्फ प्राकृतिक गुड़ ही उसमें गन्ना क्रेशर में बनेगा, राब बनेगी, शक्कर खांड राब सिरके के लिए उसका प्रयोग होगा जी। और वो तो उसका काफ़ी बड़ी यूनिट है। अगर हमारे जैसे सहयोगी किसान जो आज की तारीख में इस तरफ झुकाव रखते हैं या पार्शियली ऑर्गेनिक जैविक हो चुके हैं, उनको सहयोग भी देने के लिए, क्योंकि जो परेशानियां मैंने इसमें थोड़ी सी हुई है स्टार्टिंग में, वो परेशानी उन्हें ना हो, तो उनको सहयोग देने के लिए भी और उनसे लेने के लिए भी, सहयोग मूलक सिचुएशन में, स्थिति में, कंडीशन में ये चलेगा। किसानों से सहयोग लेना भी है मैंने और उनको सहयोग देना भी है। और साथ में हमने मल्टीग्रेन आटे के लिए मैनुअली चलने वाली हाथ से चक्की, हाथ से चलने वाली चक्की, जिसमें मल्टीग्रेन आटा बनेगा, दालें बनेंगी, और गौ अनुसंधान के ऊपर हम कार्य कर रहे हैं, जिसमें आगे हमारे जो है जो गौ देसी गौ माताएं हैं उनकी अच्छी नस्लें, अच्छा दूध देने वाली नस्लें आ सकें, और दूध से दूध भी आप उपलब्ध कराएंगे कंज्यूमर, गौ से, गौ उत्पादों से, जैसे कि पंचगव्य नहीं, गाय से तो हजारों उत्पाद हैं, पंचगव्य तो सिर्फ हो गया, उन सब को भी हम यहाँ पे बहुत ही सुविधा के साथ सस्ते और सुलभ और किफ़ायती गुणवत्ता में, यहाँ कोई कटौती होने वाली नहीं है, चाहे यहाँ पे प्लांट लगाया है, प्लांट सिर्फ अपने लिए और उन किसानों के लिए लगाया कि जो इस तरह की विचारधारा रखते हैं, प्रकृति को बचाना चाहते हैं। आप फसल में न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट और पेस्ट मैनेजमेंट कैसे करते हैं, जैसे अग्निहोत्र का आप इस्तेमाल करते हैं, मैंने सुना है कि, सुना क्या देखा भी है कि अग्निहोत्र जब हम करते हैं खेत में तो काफ़ी मात्रा में बीमारी कीट नहीं आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कुछ आते हैं तो आप कैसे मेंटेन करते हैं? हाँ, मैं पिछले शुरुआत के दिनों में मुझे थोड़ी समस्याएं आई थी, फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन खेत में आते थे जी, और मैं ये समझता हूँ कि जितने पेस्ट और इंसेक्ट हैं उनसे ज़्यादा खतरनाक हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीवियों से जो बीमारियां पैदा होती हैं वे हैं, तो उनके लिए हमारा अग्निहोत्र जैविक कृषि फार्म में जो हवन तकनीक का यज्ञ तकनीक का होता है और ईश्वर की कृपा से उसमें प्रतिदिन यज्ञ होता है, उससे पिछले 2 वर्षों से कोई फंगल वायरल बैक्टीरियल कुछ नहीं आती, डिजीज इसमें आई नहीं है, और साथ में जो सुगंधी फैलती है, जो हमारे मस्तिष्क से जो एक ऊर्जा निकलती है पॉजिटिव, और यहाँ पे जो एक मॉडल तैयार किया जा रहा है जो कि अभी अपनी विकासशील अवस्था में है, पेड़ हैं, पौधे हैं, उनके लिए घोंसले बनाए गए हैं, अलग अलग तरह के फ्रूट चिड़ियाओं के लिए बोए जा रहे हैं, फसलें बोई जा रही हैं, उनसे यहाँ पर तमाम ऐसी चिड़ियाएँ, ऐसी चींटियाँ, इंसेक्ट को, पेस्ट को कंट्रोल करने वाले यहाँ पर अपने आप ही खाद्य श्रृंखला को मेंटेन करने वाले आ चुके हैं कि मुझे अब इसमें कोई ज़रूरत नहीं है जी, और जो मेहनत कर लिया, करा था, अभी तक किया था, वो अब मुझे इतनी कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती। सब कैंचवे कर रहे हैं, चींटियाँ कर रही हैं, मकड़ियाँ कर रही हैं, गिरगिट कर रही हैं, सांप कर रहे हैं, मतलब नेचुरल प्रेडेटर्स आपके क्षेत्र में आ चुके हैं, और उनके हजारों घोंसले मधुमक्खियां कर रही हैं। बिल्कुल, तो मुझे तो किसी पेस्ट कंट्रोल की, इंसेक्ट कंट्रोल की, या के, और यहाँ तक कि जो यज भस्म का, यज धूम्र का, गंध चिकित्सा का, स्वर चिकित्सा का यहाँ पर जो है सामंजस्य बैठाया जाता है, उनसे सारे बीमारियाँ, सारे डिजीज सब नियंत्रित हैं। और जी, और गुणवत्ता जो है, गुणवत्ता हमारे यहाँ पे विजिटर रजिस्टर है, और लाखों व्यक्तियों ने और हजारों परिवारों के, लाखों सम्मानित व्यक्तियों ने जो ये इनपुट्स जो हमारे यहाँ से उत्पादित होने वाले सामानों को लिया है, खरीदा है, खाया है, उनके वैल्यूएबल फीडबैक्स हमारे विजिटर रजिस्टर में है, और वे जो यहाँ आया वो यहाँ का बन के रह गया, इस परिवार का, हमारे परिवार का सदस्य हो गया, मुझे आशीर्वाद दे रहा है रेगुलरली, तो हम इसका महत्व जान सकते हैं। सुनील जी, कुछ किसान ऐसे हैं जो अभी जैविक खेती करने के बारे में सोच रहे हैं, तो क्या आप उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, या क्या तरीका है जिससे कि, मतलब आप उनको किस तरीके से सहयोग कर सकते हैं? जो मैंने तो यहाँ पे जैसे कि पहले ही बताया कि जहर मुक्त भारत अभियान हम चला रहे हैं, जिसमें हम कृषि को मैं विशेष मानता हूँ, क्योंकि मैं कृषक बन चुका हूँ अभी, और कृषक पृष्ठभूमि से ही होते हुए मैं सेना में गया और वहाँ पर उत्कृष्ट कार्य किए, तो जो मैंने यहाँ पर समस्याएं महसूस की कि भाई ये समस्या है किसान को, उन सब के समाधान के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग चलती है,
प्रतिदिन 8-10 किसान यहाँ पे आते हैं। आज भी आपने देखा यहाँ पे वैज्ञानिक गोष्ठी हुई है जी। और ऐसे यहाँ पे होती रहती है और हमें सहयोग देने के लिए, क्योंकि किसान किसान से जुड़ सकता है बिल्कुल, तो हमारे कृषि विभाग के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने हमें ट्रेंड किया, हमने सीखा उनसे, और जो हमने ऑलरेडी इसमें चिंतन किया था ग्रेजुएशन तक की, मास्टर तक की पढ़ाई में, वो हम यहाँ पे जो है इजीली किसानों को सिखा पा रहे हैं। आज हजारों की संख्या में यहाँ पे किसान थे, वो ट्रेनिंग उनकी हुई है, बताया गया है और उनको सिखाया जा रहा है। तो मॉडल है, क्योंकि किसान तो देख के करेगा, कागजों से नहीं करेगा। कृषि विभाग से हैं डॉक्टर राजू जी, तो राजू जी से आपको क्या मदद मिलती है? राजू जी को अगर मैं ये कहूँ कि जो तकनीकी ज्ञान है जी, जो तकनीकी सहायता है, मेरे आध्यात्मिक गुरु और हैं, लेकिन तकनीकी गुरु, लेकिन तकनीकी जो भौतिकवाद के जो गुरु हैं तकनीकी ज्ञान जो है वो राजू जी से मिला, क्योंकि मैंने काफ़ी दिन अपने सेना में सेवा दी है जी। उसके बाद कुछ खेती का ज्ञान थोड़ा कम हो गया था परिस्थितियों के हिसाब से, तो हमारे राजू जी ने हमें जैविक खेती में किस तरह से अपनी खेती को बचाया जाए, किस तरह से हमें किस समय पर क्या क्या किया जाए, वो सब इन्होंने हमें इतना सहयोग किया कि इनका ऋण उतर पाना और इस मुकाम तक पहुंचना कि हम सबसे पहले तो जैविक कृषक में सफलता मिल चुकी है जी, खेती हमारी एकदम अव्वल दर्जे की हो गई है बहुत अच्छा। और साथ में वो सब इनके सहयोग से हुआ। आज जब हमें इससे फुर्सत हुई तो फूड प्रोसेसिंग गया, तो इनडायरेक्ट वे में अगर हम कहें अप्रत्यक्ष है, तो वो काम भी जो फूड प्रोसेसिंग का भी है उसके पीछे भी इनका इतना बड़ा हाथ मोटिवेट करते रहते हैं आप। हाँ, मोटिवेट नहीं, ये ग्राउंड में खेत में मेरे से पहले मुझे कभी कितनी बार मिले, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बिना बताए और मुझे फोन पर बता रहे हैं कि भाई फौजी भाई आप तो यहाँ थे नहीं, लेकिन ये मुझे लग रहा है अच्छा, ये मैं देख के आया हूँ, बहुत अच्छी, तो इनका तो मैं ऋणी हूँ। और इन्होंने जो है और भी कितने विशेषज्ञों को यहाँ पे विजिट करा दिया। डॉक्टर राजू जी, आपका क्या कहना है कि आपके शिष्य किसान जो हैं वो कैसे हैं, आप जो इन्हें मोटिवेट करते हैं, कैसा आप लोगों में ट्यूनिंग है? मैं बहुत बहुत धन्यवाद फौजी साहब को करूंगा जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको शिव कुमार जी का हूँ, और आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जी। दरअसल हमारी शुरुआत 3-4 वर्ष पहले की है जी। हम फौजी साहब से मिले तो फौजी साहब के दिमाग में आइडिया आया कि हम प्रकृति को कैसे बचाएं, प्रकृति का जैसे ह्रास हो रहा है, जैसे पोल्यूशन बढ़ रहा है जी, सब चीज़ें दूषित हो रही है, तो उस पर इन्होंने मंथन करके मुझे बताया और मैंने तुरंत हाँ कर दी कि हाँ हम लोग इसको मिलकर कुछ करते हैं जी। मैं अपना परिचय देते हुए, मैं डॉक्टर राजू टेक्निकल असिस्टेंट सरधना में हूँ और ये भमोरी गांव मेरे ही क्षेत्र में पड़ता है, बहुत अच्छी बात। और हमारे जो फौजी साहब हैं इन्होंने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब कुछ ऐसा करें कि हम इस प्रकृति को बचाते हुए जैविक खेती मनुष्यों तक पहुँचाएँ, जो जैविक उत्पाद होंगे जो उनके हेल्थ के लिए, प्रकृति के लिए बेनिफिट होंगे। उस पर हमने तुरंत हाँ कर दिया और कहा कि हम पूर्णतः, हमारा कृषि विभाग और हम पूरा सहयोग करेंगे। तभी से हम लगे पड़े हैं इसमें कि कैसे जैविक खेती को ऊपर बढ़ाया जाए। उसमें बहुत से किसान हमसे जुड़ते हैं और सबसे खासियत बात मैं ये कहूँगा कि इनका जो स्पेशल गुड़ है, स्पेशल गुड है, अभी 2-3 दिन पहले मेला हुआ, उसमें वीसी साहब को भी वो चीज़ें दिखाया गया, उनको चेक कराया गया कि विशेष प्रकार से जो यहाँ जैविक तरीके से जो गुड़ तैयार होता है वो किस 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 वैल्यू एडिशन में हो रहा है, ये उन्होंने भी तारीफ की। 6-7 तरीके का जो गुड़ तैयार हो रहा है, विभिन्न विभिन्न सौंफ का गुड़ लीजिए आप मखाने का गुड़ लीजिए, मूंगफली का, बादाम का गुड़ लीजिए, और मैं फिर निवेदन करना चाहूँगा कि मैं अलसी का भी गुड़ बनवाने के लिए कह रहा हूँ कि अलसी भी यूज किया जाए, क्योंकि लोग डायरेक्ट में अलसी का सेवन कर रहे हैं और वो मुझे लग रहा है कि इतना स्वावलंबी ये चीज़ें, ये प्रयास हमारा आपके चैनल के द्वारा भी, और ये रहेगा कि लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति कितना चिंतित होना चाहिए या किस तरह से जैविक की तरफ रुझान करना चाहिए, जिससे जो हमारे जैविक किसान हैं
वो बढ़ सके। बहुत अच्छी बात, मतलब मैं ये उम्मीद करूँगा आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद और शुभकामनाएँ कि आप जो है ये जो नेक कार्य कर रहे हैं प्रकृति के लिए, लोगों के लिए, आप जो ये पैदा कर रहे हैं ये आम जन तक पहुंच पाए और वो उसका लाभ उठा पाए। जी जी जी। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।